हमारी भारतीय रेल एक ऐसी रेलवे है जो हर किस्म के पैसेंजर्स की सुविधाओं का ध्यान रखती है। फिर चाहे वो लोगों का समय बचाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को लाना हो या फिर लोगों की सेफ्टी के पर्पस के लिए ट्रेनों को इलेक्ट्रिफाई करना हो। मगर यहाँ पे हम सभी लोगों का एक सवाल रहता है कि हर कोई वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ट्रेनों में हम आजकल देख रहे हैं कि स्लीपर के कोचेस की संख्या कितनी कम होती जा रही है, साथ ही साथ जनरल के कोच भी बहुत ही कम लग रहे हैं ट्रेनों में, जिसकी वजह से सभी पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत होती है। ना तो सीट कंफर्म हो पाती है, वेटिंग लाइन इतनी लंबी हो जाती है। तो क्या रेलवेज ने इस समस्या का समाधान ढूंढा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी चीज़ के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। वंदे साधारण एक्सप्रेस। दोस्तों, भारतीय रेलवेज ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि हम सबकी जो कि वंदे भारत को लेकर दिक्कतें थी, साथ ही साथ स्लीपर के कोचेस की संख्या कम होने की जो समस्या थी उस पर ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को इंडियन रेलवेज में शामिल करने का फैसला किया। दोस्तों, वंदे साधारण एक्सप्रेस के बारे में टोटल 5 फीचर्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि आखिर इसे कब इंडियन रेलवेज में शामिल कर दिया जाएगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगी है, वंदे भारत से आखिर ये क्यों अलग है और क्या क्या इसमें ऐसे कमाल के फीचर्स हैं। वंदे साधारण एक्सप्रेस एक नॉन एसी वाली ट्रेन होगी जिसमें आपको जनरल के कोचेस, स्लीपर के कोचेस और साथ ही साथ लगेज कार्ट के कोचेस देखने को मिलेंगे। मतलब वंदे भारत की तरह इसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार नहीं होगा। वंदे साधारण एक्सप्रेस में LHP कोचेस लगेंगे जो कि 130 की स्पीड पर चलने में सक्षम है। इससे ये पता चलता है कि सेफ्टी भी रहेगी और स्पीड भी रहेगी। दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि टोटल 1800 पैसेंजर्स के बैठने की जगह होगी इस ट्रेन में। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा जिससे पता चल जाएगा कि नॉर्मल ट्रेन के अपेक्षा इसमें बैठने की संख्या कितनी ज़्यादा है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक 23 कोचेस वाली LHB ट्रेन को लिया है जिसमें 6 कोचेस 3rd AC के हैं, जिसमें 72 सीटिंग कैपेसिटी है पर कोच की, यानी कि 432। सेकेंड AC में 54 सीट्स होती हैं, जिस हिसाब से मैंने 2 कोच सेकेंड AC के लिए, यानी 108। साथ ही साथ स्लीपर कोचेस की संख्या मैंने 11 रखी है जिसमें 80 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, यानी कि 880। और जनरल कोचेस मैंने 2 लिए हैं जिसमें से 100 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, यानी 200। टोटल करें तो 1620 के अराउंड फिगर आ रहा है इसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी मार्जिन से यहाँ पर वंदे साधारण में बैठने की क्षमता लोगों की काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि वंदे भारत की तरह इसमें भी सील्ड गैंगवे है। मतलब कि जैसे वंदे भारत में आपने देखा होगा कि बीच में कपलिंग जैसा कुछ ऐसा लगता नहीं है जब आप एक कोच से दूसरे कोच में जाते हैं, जिसमें काफ़ी नॉइज़ भी आती थी, बट वंदे भारत में ये सब नहीं आती। सेम वैसे ही वंदे साधारण में भी ये सुविधा है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो जर्किंग होती थी जो कि कपलिंग के बीच में, ये सब नहीं आएगी। साथ ही साथ LED लाइट्स, फैंस और डिसेबल लोगों के लिए एक सेपरेट वॉशरूम की सुविधा भी इसमें दी गई है। और दोस्तों, लास्ट फीचर जो कि है, जो इसे वंदे भारत से काफ़ी थोड़ा अलग बनाता है, वो ये है कि वंदे भारत में मल्टीपल यूनिट्स के ज़रिए इसे चलाया जाता है। मगर ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि इसमें पुश एंड पुल टेक्निक का इस्तेमाल होगा जिसमें 2 Wi-Fi लगे होंगे। तो ये चीज़ जो कि वंदे भारत से इसको काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसे प्रोबेबली अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के स्टार्टिंग में इनॉग्रल कर दिया जाएगा। अभी इसके रूट को लेकर ज़्यादा अपडेट आया नहीं है कि इसे कौन सा रूट अलॉट होगा। जैसे जैसे ये चीज़ आती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड जय हिंद।